Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you are watching The Aditi's World. So guys, आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फन एंड इंटरेस्टिंग फूड चैलेंज. सो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ लिविंग ऑन 100 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स. सो गाइज, ये वाला वीडियो आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स को करते हुए देख लिया होगा एंड मैंने अभी तक नहीं किया था, सो मैं आज कर रही हूँ. एंड यदि आपने नहीं देखा है सो मैं बता देती हूँ. सो इस चैलेंज में होता ये है कि आपके पास एक बजट डिसाइड होता है, जैसे कि मैंने किया है 100 रुपीज़. एंड इसी 100 रुपीज़ के अंदर हमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर करना होता है. एंड 100 रुपीज़ से आप 1 भी रुपये ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते. सो या सो अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम. सो ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास है लाइक मैंने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट मंगवा के रखा हुआ था. सो मेरे भैया ने ला दिया था. सो मैं MP से हूँ एंड MP का आपको फेमस ब्रेकफास्ट यदि पता होगा सो ये है पोहा एंड जलेबी. सो ब्रेकफास्ट के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं. सो मैंने किए हैं 15 रुपीज़ खर्च एंड या सो यहाँ पे है मेरे पास मेरा पोहा. एक सेकेंड, ये न्यूज़पेपर में है सो पहले मैं इसे अच्छे से पकड़ लूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वरना ये गिर जाएगा. सो ये है हमारे पास पोहा एंड ये 10 रुपीज़ का है, इतना ही आता है 10 रुपीज़ में. एंड ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है क्योंकि ऐसे ही देते हैं. एंड इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ये जलेबी. सो ये 5 रुपीज़ की है एंड 5 रुपीज़ में एक ही जलेबी आती है. सो या सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट. सो अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंड देन देखते हैं कि हम 100 रुपीज़ में ये पूरा दिन चला पाते हैं अपना या नहीं. वैसे इतने सारे लोग कर लेते हैं सो हम भी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे. सो या अभी मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंड बहुत देर से ही आया हुआ है सो ठंडा भी हो गया है. टेस्टी है. सो गाइस, हमारा पोहा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. सो अभी मैं टेस्ट करती हूँ ये जलेबी की ये कैसी है. सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी है, ये पोहा भी बहुत टेस्टी है एंड ये जलेबी भी बहुत टेस्टी है. सो ये नॉर्मल जलेबी जो होती है वैसी नहीं है, ये मावा वाली जलेबी है, लाइक खोए की जलेबी जो होती है वो. एंड मुझे ये ज़्यादा पसंद है. सो यह हमारा ब्रेकफास्ट एकदम हिट है. अब देखते हैं कि हमें हमारे लंच के लिए क्या मिलता है एंड कितने रुपए में मिलता है. वैसे अभी तक मैंने सिर्फ 15 रुपीज़ ही खर्च किए हैं. स्पून से खाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बट यार ठीक है. डन विद द ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था एंड मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया है 15 रुपीज़ के अंदर ही. सो या अभी मैं आपको मिलूंगी लंच टाइम में एंड देखते हैं कि हमें हमारे लंच के लिए क्या मिलता है.
सो या अभी मैं मिलती हूँ आपको लंच टाइम में। गाइस सो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। सो लंच के लिए हम बाहर जाने वाले हैं एंड फिर हम देखते हैं कि हम क्या खाएंगे। सो लंच के लिए मैं मैक्स 40 रुपीज लेके चल रही हूँ, बस उससे ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना है वरना फिर मेरा इवनिंग स्नैक एंड डिनर के टाइम पर मुझे प्रॉब्लम होगी। सो मैं कोशिश करूँगी कि 40 रुपीज के अंदर ही मेरा लंच हो जाए एंड मेरा जो पेट है वो भर जाए। सो या बाहर चलते हैं एंड फिर देखते हैं। एंड भैया भी जाएगा बट अपने पैसे वो खुद देगा, मैं नहीं देने वाली क्योंकि आज मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है। सो या लेट्स गो। कैफे में मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था एंड आई डिड नॉट वॉन्टेड टू बी जज्ड, सो इसलिए। एंड वहाँ पे मैंने लिया था एक आलू पेटीज एंड एक ली थी मैंने चॉकलेट कॉफ़ी। चॉकलेट कॉफ़ी 15 रुपीज़ की आती है बट क्योंकि हमने 2 आलू पेटीज, 1 चाय एंड 1 कॉफ़ी ली थी तो जो कॉफ़ी थी वो हमें 10 रुपीज़ की पड़ी, तो टोटल सिर्फ मेरे खर्च हुए हैं 30 रुपीज़। एंड अभी भी मेरे पास यहाँ पे ये बचे हुए हैं 55 रुपीज़ विच इज़ ग्रेट। जैसा कि मैंने आपको घर से ही बताया था कि मैंने मैक्स 40 रुपीज़ डिसाइड किया है लंच के लिए एंड उससे भी 10 रुपीज़ कम में हमारा लंच हो गया एंड पेट मेरा बहुत अच्छे से भर गया है क्योंकि जो आलू पेटीज था वो बहुत ज़्यादा हैवी था एंड मैंने उसे हाफ ही फिनिश किया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा फुल फील होने लगा था बट क्योंकि हमने कॉफ़ी का ऑर्डर भी पहले ही दे दिया था तो कॉफ़ी भी मैंने पी ली। सो या अभी मैं आपको मिलूँगी इवनिंग स्नैक में। गाइस सो राइट नाउ इट्स 4:30 एंड अभी हम चलेंगे बाहर तो हम चलेंगे हमारी इवनिंग स्नैक के लिए। सो अभी जस्ट मेरी कजन सिस्टर का कॉल आया था एंड उन्होंने पूछा कि फुलके खाने चले क्या, जबकि उनको नहीं पता था कि मेरा चैलेंज चल रहा है। सो मैंने सोचा या व्हाई नॉट, सो हम हमारे इवनिंग स्नैक में आज फुलके कंज्यूम करेंगे एंड मैं सोच रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं 20 रुपीज़ ही खर्च करूँगी अपने इवनिंग स्नैक के लिए एंड उतने में आई गेस पेट भर जाएगा क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है। सो या आप चलते हैं फटाफट से। डन विद द इवनिंग स्नैक एंड मैंने बाहर फिर से कुछ नहीं बोला, जैसा कि मैंने आपको घर से ही बता दिया था कि मैं बाहर जाके कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको घर पे ही बताया था कि मैं सिर्फ 20 रुपीज़ ही खर्च करने वाली हूँ एंड मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ ही खर्च किए हैं। सो 20 रुपीज़ में हमें मिला क्या था, एक मैंने खाई थी वहाँ पे जाके दही पूरी जो कि 10 रुपीज़ की होती है एंड उसमें सिर्फ 5 आती हैं, 10 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो या एक मैंने ली थी दही पूरी एंड देन उसके बाद मैंने एक प्लेट खाई थी पानी वाली फुलकी जो कि भी आती है 10 रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ में उन्हें आई गेस 7 दी थी जो कि ज़्यादा ही लगी मुझे क्योंकि और बाकी जगह 6 देते हैं, उन्होंने शायद 7 या 8 दी थी मैंने काउंट नहीं किया बट या उसमें भी मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया है। सो हमारी इवनिंग स्नैक में भी सिर्फ हमारे 20 रुपीज़ खर्च हुए हैं। सो या अब मुझे लगता है इतने में हमारा डिनर तो बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास 35 रुपीज़ बचे हैं तो ऑब्वियसली बहुत आराम से हमारा डिनर हो ही जाना चाहिए बट मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे डिनर में लेना क्या है। सो या जो भी मैं लूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। सो ओके गाइज अभी मैं आपको मिलूँगी अपने डिनर टाइम में। एंड ऑल्सो गाइज वन थिंग, यदि आप यहाँ तक आ ही गए हो एंड आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। सो या सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।
सो या अब मैं आपको मिलूंगी अपने डिनर टाइम पे। ओके गाइस, सो अभी हो रहे हैं 8:30 एंड टाइम हो चुका है डिनर का। सो ये रहा मेरे पास मेरा डिनर, और डिनर में है मोमोज। सो जब मैंने ये चैलेंज के बारे में सोचा था, तभी मैंने सोच लिया था कि मोमोज तो मैं ज़रूर खाऊंगी। एंड फटाफट से मैं पहले से प्लेट में निकाल लेती हूँ, वरना ये ठंडे हो जाएंगे। एंड जब भी मैंने ये चैलेंज स्टार्ट करने का सोचा था, तभी मैंने सोच लिया था कि मोमोज तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मोमोज थोड़े कंपेरेटिवली सस्ते भी मिलते हैं। एक प्लेट मोमोज हमारे यहाँ मिलता है 20 रुपीज़ का। सो जैसे कि हमारे पास 35 रुपीज़ बचे थे हमारे डिनर के लिए, तो मैंने 1.5 प्लेट मोमोज की मंगाई है। सो एक प्लेट में 6 आते हैं, जैसे कि आते ही हैं। एंड भैया अपने लिए फ्राइड मोमोज लाया, बट मैं वो नहीं खा सकती क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं है। एंड ये 2 प्लेट हैं, तो इसमें से मैं खाली 3 लेने वाली हूँ, एंड बाकी के 3 भैया लेगा, मीन्स हाफ प्लेट भैया लेगा। एंड ऑल्सो भैया मेयोनीज नहीं लाए हैं, लाइक वो अंकल मेयोनीज नहीं, वाइट सॉस देते हैं, सो वो नहीं लेके आए हैं। एंड अभी वो मेयोनीज के साथ खा रहा है, एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी चटनी के साथ खाना पड़ेगा क्योंकि हम मेयोनीज भी नहीं ले सकते। पहले मैं इसे इसके 3 पीस मोमोज के दे देती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगी। सो गाइज ये रहे भैया के फ्राइड मोमोज, बहुत सारे वो खा गया है बैठ के। एंड या ये थोड़े खड़े से करती है वंकल ने, मुझे लग रहा है। एंड इस बार बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मोमोज आए हैं, लास्ट टाइम जब हम लाए थे तो साइज बहुत अच्छा था। सो इसे स्टार्ट करती हूँ अपना डिनर, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। एंड ये मोमोज ठंडे भी हो रहे हैं। एंड ऑल्सो गाइज अभी हमारे पास 5 रुपीज़ बचे हुए हैं, सो 5 रुपीज़ में हम हमारे डेजर्ट का कुछ जुगाड़ करेंगे। सो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है। एंड गाइज ये मोमो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, एंड क्योंकि ये बच जाती है तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, एंड दूसरे दिन भी हम इसे खाते हैं। एंड ये दाल राइस के साथ बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो ये अभी वो बच गई है, एंड अभी हम उसे रख देंगे फ्रिज में। सो गाइज ये रहे यहाँ पे मेरे 6, 7, 8, 9 पीस मोमोज के, एंड इतने में मेरा पेट बहुत आराम से भर जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ फटाफट मैं अब स्टार्ट कर दी हूँ अपना डिनर। टेस्टी हैं गाइस, एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। सो या मैं फटाफट से अपना ये डिनर फिनिश कर लेती हूँ, एंड भैया कह रहे हैं कि मेयोनीज खा लो, बट मैंने नहीं खाया है। एंड इसके बाद मैं आपको मिलूंगी अपने डेजर्ट टाइम पे। सुया ओके गाइस, सो डन विद आवर डेजर्ट एज वेल, एंड हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। बट गाइस बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांटेड टू से समथिंग। सो गाइज ये 100 रुपीज़ चैलेंज हमने ऐसे ही फन के लिए लिया था, बट गाइज ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो 100 रुपीज़ पर डे अर्न करते हैं, एंड उस 100 रुपीज़ में उन्हें अपने पूरी फैमिली का फूड अरेंज करना पड़ता है। कभी उन्हें फूड मिलता होगा, एंड कभी शायद नहीं भी मिलता होगा। सो या मैंने तो ये चैलेंज एक दिन किया, एंड मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई अपना फूड अरेंज करने में, एंड टू बी ऑनेस्ट उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई भी नहीं, बट उन्हें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती होगी गाइस। सो ये चैलेंज तो मैंने ऐसे ही, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, फन के लिए लिया क्योंकि सभी लोग कर रहे थे, बट उन लोगों को कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती होगी। सो गाइस हमें बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू करना चाहिए, एंड हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास इतना कुछ है, एंड फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। सो या हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए कि हमारे पास इतना कुछ है। सो या गाइज ऑन दैट नोट हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। सो होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द लिटिल बेल बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो। Also, if you have any video suggestions, do not forget to share it with me in the comment section below. And also, if you are watching this piece for the very first time,
Do not forget to check all the videos linked below, and also guys, do not forget to follow me on my Instagram. This is my Instagram handle, and now I'll see you in my next video. Till then, stay healthy, stay positive, and bye guys.